और अब बात देहरादून की कर लेंगे। देहरादून की डीएम सोनिका सिंह मसूरी पहुंची है, जहां उन्होंने मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने स्प्रिंग रोड का भी निरीक्षण किया है और खामियां पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। इस दौरान उन्होंने सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटवाने के निर्देश दिए हैं। डीएम सोनिका सिंह ने पीडब्ल्यूडी, जल निगम और जल संस्थान के अफसरों को तालमेल बनाकर काम करने के भी निर्देश दिए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएम ने कहा है कि माल रोड के पुनर्निर्माण का काम 30 अप्रैल से पहले पूरा हो जाएगा। पंद्रह अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, और जल निगम, जल संस्थान और पीडब्ल्यूडी यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इनको तत्काल ठीक किए, इनलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं और रोड जो है वो बहुत पुरानी है और समय समय पे यहाँ पे यूटिलिटीज़ अलग अलग विभाग ने डाली है, तो कोई भी एक क्लब डेटा हमारे पास किसी के पास भी नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा काम करने जाता है, स्पेशली रात के वक्त, तो कुछ यूटिलिटीज़ में प्रॉब्लम आती है।